आइए आज हम आपको आलू बैंगन बनाने की रेसिपी बताते हैं, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार डिश है। इसको पकाना बहुत आसान है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो का किचन जी। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो है आलू बैंगन की रेसिपी। अच्छा, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आलू बैंगन वैसे तो हर कोई अपने घर में बनाता है, लेकिन हम ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, तो मैंने चाहा कि मैं अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा, ये हमने लिए हैं आलू और बैंगन। अच्छा, इसमें आप देख सकते होंगे कि मैंने बैंगन जो है वो छिलका उतार के लिए हैं और आलू बीच में नीचे डिप हो गए हैं, क्योंकि आलू बैंगन जो है उसे हमेशा जब भी हम बनाएंगे पानी में डिप करके रखेंगे, वरना ये फ़ौरन काले होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो बैंगनों का हमने छिलका उतार लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको आएगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आपको मिलेगा। आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद कहेंगे। अच्छा, छिलकों के साथ अगर हम बैंगन बनाते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि थोड़ा कड़वापन आ जाता है, तो छिलके उतार के आलू बैंगन बनाए तो बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। तो ये हमने आधा किलो लिए हैं बैंगन और 3 अदद लिए हैं यहाँ पे आलू, ठीक है। 4-5 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं टमाटर, 1 अदद प्याज बारीक चॉप की हुई है, आधा कप मैंने ऑयल लिया है, ये कप छोटा है इसलिए आपको भरा हुआ लग रहा है, ये आधा कप ऑयल है। अच्छा, यहाँ पे जो मेन चीज़ मैंने ली है, या ऑयल में हटा के आपको बताऊँगी, ये है हींग। हींग से हमारे जो बैंगन और आलू है ये बादी सब्जी होती है, हींग पाउडर डालने से इसका बादीपन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसमें हींग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बिल्कुल चुटकी बराबर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये पाउडर शेप में है। मैं इसमें 1 चुटकी हींग पाउडर इस्तेमाल करूँगी और 1/2 टीस्पून यहाँ पे है मेरे पास पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसा धनिया, 1 टीस्पून लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, अच्छा 1 टीस्पून मैंने लिए लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिए रंगीन लाल मिर्च। अच्छा, अब आते हैं इधर, ये है कलौंजी। ये चीज़ें डालने से बैंगन बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर में बनते हैं, कलौंजी, राय और सौंफ। कलौंजी मैंने 1/2 टीस्पून ली है, राय मैंने 1/2 टीस्पून ली है, सौंफ मैंने 1/2 टीस्पून ली है। अच्छा, 1 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं, सौंफ, राय, कलौंजी और हिंग, कम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप इस्तेमाल करके देखिएगा, आप बिल्कुल कहेंगे कि डिफरेंट टेस्ट और बहुत यम्मी आलू बैंगन बने हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ के हम किस तरह बनाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। अच्छा, ये हमने ऑयल में प्याज डाले, आज हम तेज़ कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप ये पतीले में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको एक चेंज करना होगा कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना होगा। हम इसमें पानी 1/2 कप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कढ़ाई में या पतीली में बना रहे हैं तो आप पानी का गिलास जो है एक भर के डाल लेंगे और हल्की आंच में रखेंगे, तो आपके आलू बैंगन गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे, ठीक है। तो प्याज गर्म होने तक हमने प्याज जो है हमने आंच तेज कर ली है। प्याज जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने हैं और बिल्कुल नरम करने हैं, अगर आप तेज करने हैं तो प्याज ब्राउन होते तक हम आपको बताते हैं। फिर मैंने आपको प्रेशर कुकर का पतीली का बता दिया है। अब मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जो मेरी रेसिपीज देख रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। प्याज जो हमारे नरम होना शुरू हो गए हैं, इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे जीरा, जो कि मैंने रखा हुआ है, ताकि जीरा भी साथ में भूंजो। ये हमने जीरा इसको ऐड कर दिया, इसको बिल्कुल नीचे कर देंगे ताकि ये साथ भून जाए। प्याज थोड़े से नरम होने में 2 से 3 मिनट लेंगे। प्याज हमारे नरम हो जाएंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने चीज़ें रखी हुई हैं। ये हम डालेंगे कलौंजी, इससे और सौंफ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, इससे बस इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आएगा। आप खुद बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे, और साथ ही हमें 1/2 लहसुन का पेस्ट डाल देना है, आज हम नॉर्मल कर देंगे।
आँच को नॉर्मल रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे। आँच का ख्याल रखना है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। अब इसको सबसे पहले हम शामिल करेंगे ये जो हमने टमाटर काट के रखे हैं, हमारे टमाटर फ्रीज हैं, हम छिलका उतार के टमाटर डालते हैं। कोशिश कीजिए कि टमाटर का छिलका आप भी अपने खाने में इस्तेमाल ना करें, ये हजम नहीं होता। टमाटर का इस्तेमाल करें। अच्छा, बैंगनों में जो है आलू बैंगन में आप टमाटर का इस्तेमाल या कुछ लोग दही का भी करते हैं, तो हम लोग टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रा ज़्यादा होता है, इससे बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा, ये हल्दी पाउडर हमने शामिल किया, लाल मिर्च, ये रंगीन लाल मिर्च हमने इसको डाल दी, पिसा धनिया, और ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं जो हमने हिंग पाउडर आपको बताया था, ये चुटकी पिसा गरम मसाला, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे जब तक ऑयल नहीं निकल आता और हमारे टमाटर जो है वो नरम नहीं हो जाते। 5 से 6 मिनट हमें लगेंगे मसाला भूनने में। अच्छे से भून लेंगे हम मसाले को। ये हमारा मसाला भून चुका है, घी निकल आया है। अच्छा, हमने इसे सारे मसाले डाल दिए थे सिवाय हरी मिर्च और हरे धनिए के, जो कि हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे, दम में डालेंगे। तो अब हम इसे भून चुके हैं, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं जो हमने बैंगन और आलू काट के रखे हुए थे, इसमें से हमने पानी निकाल दिया है। ये शामिल करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच हम हल्की करेंगे थोड़ी सी ताकि इसके मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। ये देखिए इस तरह से। और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी। ये 1/2 कप है, आपको 1 कप लग रहा है, ये छोटा कप है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये 1/2 कप जो हमने पानी इसमें शामिल किया है। अब हम कुकर को करेंगे बंद, और अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, यानी कि आप 1.5 से 2 गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आलू जल्दी गल जाते हैं, कुछ देर से गलते हैं, तो उसमें आप 1/2 कप पानी नहीं डालेंगे। ये हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए 1/2 कप डाले। अब हम इसे बंद करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम इसे बंद नहीं करेंगे, 3 मिनट के लिए हम ये वेट चलाएंगे और उसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे। अब हमने आँच तेज कर दिए, ये हमने 5 मिनट के लिए इसको 3 मिनट के लिए बंद किया था। अभी ठंडा हो गया है, इसे हम खोलेंगे, देखते हैं क्या है। ये देखिए ऑयल निकल आया है, आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं बिल्कुल। अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमने ये जो हरी मिर्च रखी हुई थी हमने 2 कट लगा लिए हैं मिर्च में, ये डालेंगे, और हरा धनिया डालेंगे इसमें। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे और फिर ये डिश आउट करेंगे। और हल्की आंच पे हम इसको, ताकि हरी मिर्चें और धनिए की खुशबू बीच में आ जाए। हमारे आलू बैंगन बिल्कुल रेडी है, फिर हम डिश आउट करके आपको बताते हैं। जी, आलू बैंगन की हमारी भुजिया जो है सालन तैयार है। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए कैसा काम कर रही हूँ। और बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।